हेलो दोस्तों, नमस्कार। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने क्या खूब कहा है, समस्या को पहली बार में सामना करने से मत डरो, क्योंकि सफल गणित भी जीरो से शुरू हुआ है। ऐसे थे हमारे साइंटिस्ट अब्दुल कलाम। इनके इन्हीं कथन के द्वारा आज की ये वीडियो में प्रारंभ करते हैं, क्योंकि हर सफलता के लिए एक अच्छा निर्णय लेना बहुत जरूरी होता है। आप जो 12th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके मन में एक समस्या आ रही है, अब 12th के बाद क्या, इस प्रश्न का उत्तर उनको नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो इस 12th के बाद हम क्या करें, इस कंफ्यूजन में वो लगे हुए हैं। 12th के बाद कौन सा कोर्स चुने जो उनकी लाइफ के अनुसार सही हो, उनको बेटर जॉब मिल सके, उनकी लाइफ सेट हो जाए। तो आपकी इसी समस्या के समाधान हम इस वीडियो में करने वाला हूँ। तो वीडियो को लगातार देखते रहें, और नए हो मेरे चैनल पर तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन दबा दें। तो जो आपके मन में डाउट है कि 12th के बाद अब क्या करें, परंतु उससे पहले जो 10th क्लास के बच्चे हैं, उनके मन में बड़ा ही कन्फ्यूजन है रिजल्ट को लेके, क्या रिजल्ट कैसे आएगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा इसमें, क्योंकि कोरोना के चक्कर में एग्जाम तो हुई नहीं है। तो अब क्या होने वाला है उनके साथ, उनके रिजल्ट के साथ, क्योंकि ये तो फिक्स है सब पास हो गए, तो अब रिजल्ट तैयार कैसे होगा। लोग जो स्टूडेंट्स हैं उसको ढूंढने में लगे हुए हैं, कि कभी इंटरनेट की सहायता लेते हैं, कभी कहाँ की सहायता लेते हैं, दोस्तों से पूछते हैं कि रिजल्ट में क्या होगा, कैसे आएगा, क्या करना है, गवर्नमेंट कैसे इसको तैयार करेगी। पर मैं आपको बता दूं, टेंशन ना लें, ये जो नेट पे आप सर्च कर रहे हो रिजल्ट कैसे आएगा क्या आएगा, हजारों वीडियो देख डाले होंगे आपने अभी तक इस रिजल्ट के चक्कर में कैसे प्रिपेयर होगा। अलग अलग यूट्यूबर्स अलग अलग वीडियोज डाल रहे हैं, ये रिजल्ट आने वाला है, इसके पैटर्न पे अकॉर्डिंग होगा। अब ये दिमाग से आप कन्फ्यूजन निकाल दो क्या होने वाला है। ठीक है, क्योंकि अब ये जो रिजल्ट का जो है वो राज्य सरकार के पाले में आ चुकी है, जो रिजल्ट की जो बॉल है अब राज्य सरकार के पाले में आ चुकी है। अब वो उसी को ही रिजल्ट को प्रिपेयर करने में लगी हुई है कि इस प्रकार का रिजल्ट तैयार किया जाए जिससे सारे स्टूडेंट संतुष्ट हो जाएं। क्योंकि सरकार, अब कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके उनको लगेगा कि मेरे मार्क्स कम आए, या जो भी वो पैटर्न बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग यदि कोई भी स्टूडेंट असंतुष्ट होता है तो सरकार उसके अलग से प्रावधान रखेगी। क्योंकि सरकार ने कहा है आज जो असंतुष्ट हैं स्टूडेंट वो एग्ज़ाम दे सकते हैं, परंतु एग्ज़ाम ऐसे तो नहीं आप देना चाहोगे तभी एग्ज़ाम लगेगी, तो उसका भी एक पैटर्न आएगा। कोरोना का जो है उछाल जो चल रहा है कोरोना का, वो डाउन होगा, कम होगा या ख़त्म होगा, तब जाके आपकी एग्ज़ाम्स होगी, फिर रिजल्ट का वेट करना पड़ेगा, तो काफ़ी लंबी प्रोसेस चली जाएगी। तो कोई भी स्टूडेंट इस झमेले में पढ़ना नहीं चाहेगा, क्योंकि अब जो कन्फ्यूजन आपके मन में पास फेल का है वो तो बिल्कुल डाउट क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि सभी बच्चे जो 100% वो पास हैं, सभी बच्चे 100% पास कर दिए गए, तो ये तो कोई दिक्कत है नहीं। और जैसे ही कोई रिजल्ट का अनाउंसमेंट होगा या कुछ रिजल्ट कैसे तैयार हो रहा है, किस पैटर्न पर तैयार हो रहा है, तो राज्य सरकार आपको नोटिस देगी, उसका अनाउंसमेंट देगी, आपको अनाउंसमेंट करेगी, उसका नोटिस देगी, नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो वो चिंता ना करें कि अब रिजल्ट कैसे तैयार हो, को राज्य सरकार के पाले में वो क्या करे। ठीक है, वो सारी मीटिंग सारा सब कुछ अपने साथ में रखेगी, सारे रिकॉर्ड सामने रखेगी, सही बच्चों को ध्यान में रखकर ही उस रिजल्ट को तैयार किया जाएगा। बट अब हमारे पास जो है कन्फ्यूजन कि 12th के बाद अब करे क्या। देखो, 12th के बाद अधिकांश जो छात्र होते हैं वो तीन कैटेगरी में डिवाइड हो जाते हैं। 12th करने के बाद अधिकांश स्टूडेंट तीन कैटेगरी में डिवाइड हो जाते हैं। एक तो फ्रेंड की बात मानते हैं, अरे मेरा फ्रेंड ने कॉमर्स लिया तो मैं कॉमर्स ही लूँगा, मेरे फ्रेंड ने आर्ट्स लिया तो मैं आर्ट्स ही लूँगा, मेरे फ्रेंड ने ये कर रहा है तो मैं वो करूँगा, मेरा फ्रेंड होटल मैनेजमेंट में जा रहा है तो मैं जाऊँगा। तो कम्युनिटी जो होती है फ्रेंड की, इसके अकॉर्डिंग बहुत सारे स्टूडेंट अपना फ्यूचर मूव करते हैं, उसमें आप आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स को देखकर आप अपना डिसाइड करते हैं 12th के बाद क्या करना है। कुछ बच्चों के साथ क्या होता है, उनका पेरेंट्स डिसाइड करते हैं
कि बेटा तुम्हें इस डायरेक्शन में जाना है, तुम्हें साइंस लेनी है, सॉरी आपको डॉक्टर बनना है साइंस चेता के पास, या आपने आर्ट्स लिए तो आप सिविल की तैयारी करो, या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो, या बीए करो, जो भी कुछ है। तो 12 के बाद अब जो पेरेंट्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि अब आपको इस फील्ड में जाना है। और 10th का आपके जो बच्चे पास आउट होते हैं उनका ही पेरेंट डिसाइड करते हैं कि आपको साइंस आर्ट्स कॉमर्स लेनी है। तो अधिकतर जो कुछ बच्चे होते हैं उनका पेरेंट्स ही डिसाइड करते हैं कि आपको किस फील्ड के अंदर जाना है, और बच्चे उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं और उस फील्ड को चुनते हैं। जो तीसरी कैटेगरी है वो होती है स्कोप की। आप कुछ स्टूडेंट देखते हैं कि किस फील्ड में स्कोप है, किस फील्ड में जाना चाहिए, किस फील्ड में अच्छे पैसे मिलेंगे, जॉब कहाँ पर अच्छी मिलेगी, उसके अकॉर्डिंग अपना फ्यूचर डिसाइड करते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपना कोर्स डिसाइड करते हैं, अपनी फील्ड डिसाइड करते हैं स्कोप को देखकर, ठीक है। और देखना चाहते हैं कि हम किस में जाएं। परंतु जो मेरा मानना है, तो स्क्रीन पर जो वर्ड आपको दिखाई दे रहा है, मैं इन तीनों कैटेगरी को नहीं मानता, इन तीनों कैटेगरी को मैं नहीं मानता। जो स्क्रीन पर आपके वर्ड दिखाई दे रहा है, इंटरेस्ट, रुचि, मैं इसको मानता हूँ। आप वो करें जो आप करना चाहते हैं, आप वो करें जो आप करना चाहते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग आपने कोई सब्जेक्ट ले लिया जिसमें आपकी रुचि ना हो, पेरेंट्स के कहने पर आपने कुछ डिसाइड कर लिया जिसमें आपकी रुचि ना हो, स्कोप के अकॉर्डिंग आप देखे पर रुचि ना हो, तो कैसे मजा आएगा। आपको वो फील्ड चुनना है जिसमें आप रुचि रखते हो, जिसमें आप काम करने पर थकान फील नहीं करते। कई बार आपने देखा होगा आपके घर पर पेरेंट्स आते हैं, आप कुछ पूछना चाहते हो, झल्ला जाते हैं आपके ऊपर। क्यों? क्योंकि वो जो काम कर रहे हैं वो उससे सेटिस्फाई नहीं है, वो मजबूरी में उस काम को कर रहे हैं, वो उनका फील्ड नहीं है। तो आपको वो चूज करना है जो आपका इंटरेस्ट हो, उसमें आपकी रुचि हो, आपका मन लगता हो, आपको थकान फील नहीं होती, वो फील्ड आपको चुनना है। मेरा ये मानना है, मैं इन तीनों कैटेगरी को डिनाई करता हूँ, अस्वीकार करता हूँ। बस वो करें जो आपका इंटरेस्ट हो। मित्रों, आप मित्रों को सुने, देखें क्या चल रहा है, परंतु उसमें फिर सोचें कि किस चीज़ें मेरी खुद की रुचि है, उस फील्ड को आपको चुनना है। क्योंकि जिसमें आपका इंटरेस्ट होगा, जब उस फील्ड को चुनते हो तो आप उसमें एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हो। आपने 3 Idiots मूवी देखी होगी, और नहीं देखी है तो उसको देखो, और जिसने देख लिए अब आपके पास आगे का डिसाइड करना है, तो उस मूवी को देखकर डिसाइड करो। क्योंकि उस मूवी में कितनी प्यारी लाइन कही गई है कि कामयाबी के पीछे मत भागो, कामयाब बनो, कामयाबी झक मार के आपके पीछे आएगी, ठीक है। आप सफलता के पीछे मत भागो, सफल बनो, आप सफलता तो झक मार के आपके पीछे आएगी, ठीक है। तो 3 Idiots से ये बातें आपको सीखने को मिलती हैं। तो उस मूवी नहीं देखी है, दोबारा देखें और फिर डिसाइड करें कि वास्तव में मुझे किसकी सुननी है। और मेरा तो ये मानना है, इंटरेस्ट आपका जिसमें रुचि हो वो फील्ड आप जरूर चुनें। बहुत सारे, कुछ लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, कुछ लोग क्या बनना, क्रिकेटर बनना चाहते हैं, कोई डांसिंग में अपना, कोई सिंगिंग में अपना, नए नए फील्ड, नए नए उसमें रुचि रखते हैं। तो रुचि जिसमें हो, आपको LLB करनी है, किसी को एयरफोर्स में जाना है, तो अपना फील्ड देखें, फिर अपनी रुचि देखें, उसके अनुसार ही आगे चल के अपने कोर्स का चयन करें। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने वो फील्ड चुना जिसमें आपकी रुचि है, तो आपको कभी भी किसी प्रकार की थकान नहीं होगी, और आप आनंद में अपना जीवन आगे जिएंगे। और हो सकता है कि पेरेंट्स आपको नाराज़ हों, उनके साथ बैठें, बात करें, उनको समझाएं कि पापा मम्मा मैं ये करना चाहता हूँ, मेरा इसमें रुचि है, आप बताएं मुझे क्या करना है। तो डेफिनेटली जब आप उनसे प्यार से अपने दिल की बात बोलेंगे तो वो ज़रूर सुनेंगे, और आपको सही सजेशन देंगे, और आपकी जो रुचि है उसको ध्यान में रखकर ही आपको सही सजेशन देंगे, और आपको पूरा पूरा सपोर्ट करेंगे। तो आपको करना क्या, अपने पेरेंट्स से बात करें, और जो जो बच्चे अपने पेरेंट्स से बात करें और अपनी जो रुचि है उसको उनके साथ शेयर करें, उसके बाद आप मुझे कमेंट्स करें कि सर मुझे इस फील्ड में रुचि है, मेरे पेरेंट्स ने ये कहा है, अब मुझे क्या करना है। डेफिनेटली मैं आपको एक अच्छा सजेशन दूंगा। तो आप क्या करना चाहते हो, किस में आपकी रुचि है, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। हम उसके ऊपर वीडियो के में बताएंगे, अगली वीडियो बनाकर, कि आप
जिस फील्ड में रुचि रखते हैं उसमें कैसे अप्लाई करें, क्या स्कोप्स होने वाले हैं उसके अंदर, कितनी फीस होगी, कौन से कॉलेज आपके लिए अच्छे रहेंगे, वो तमाम बातें हम अगली वीडियो में करेंगे। परंतु उससे पहले आपको हमें बताना पड़ेगा कि आपने अपने पेरेंट्स से बात की है, अपनी जो रुचि है उनके सामने जाहिर की है और उसके बाद उन्होंने आपको सजेशन दिया है क्या करना है आपको और आप क्या करना चाहते हो, कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं। फिर हम एक नई वीडियो बनाएंगे और आपके कमेंट्स में जिस फील्ड की ज़्यादा कमेंट्स आएंगी उसकी वीडियो हम पहले बनाएंगे और फिर हम आपको बताएंगे कि इसमें कैसे अप्लाई करें, कौन से कॉलेज अच्छे रहेंगे, क्या फ़ीस होगी, क्या इसमें आपको फ्यूचर में जॉब मिलने वाली, किस प्रकार जॉब मिलेगी, किस प्रकार काम होगा, ये तमाम बातें हम आपको बताने वाले हैं अपनी अगली वीडियो में। तो आई होप अब आप जरूर अपने आपके दिल की सुनेंगे और दिल की सुनकर अपने पेरेंट्स से जरूर बातें करके मुझे कमेंट्स करेंगे। मिलते हैं फिर नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।